एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित शाहजहांपुर गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 9 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सहनुमा हैं, जिन्हें ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 1400 वोटर वाला यह गाँव विकास के पद पर अग्रसित है। गाँव में 350 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर, 19 सोलर लाइट व 15 स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई हैं, तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 19 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गाँव में खडंजे, 5 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 125 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी की टंकी, शमशान घाट व कब्रिस्तान की बाउंड्री, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, आंगनवाड़ी की मरम्मत, पानी की टंकी, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम पंचायत शाहजहांपुर प्रधान पति विकास खंड बिनोली जिला बागपत तहसील बड़ौत। विकास की तो स्थिति ऐसी है जी, हमने करीब सीसी भी कराए हैं, इंटरलॉक भी कराए, काम तो बहुत करा दिया, लोहिया आवास भी करीब 4 हमने बनवा दिए, करीब 8-10 की और आवश्यकता है जो बनने चाहिए। और जैसे कि तालाब की खुदाई है, हमारी प्राइमरी पाठशाला बहुत गहराई में जाली, करीब 5 फुट गहरी गई हुई है। इस जर्ज हालात में है, इसे कई बार हम लगा कर आपके डीएम से सीडीओ तक दे चुके हैं, आज तक इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। बच्चों की जान को हर वक्त खतरा रह गया। और जी कब्रिस्तान की चार दीवारी है, शमशान की चार दीवारी है, बहुत समस्या। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पंचायत घर नहीं है, बहुत समस्या है। इतनी समस्या है जिससे कि छोटी पंचायत है, गांव में काम ज़्यादा है और पैसा इतना नहीं आ पाता। और जो सरकार, ये केंद्र सरकार, ये यूपी सरकार अगर पैसा सही तरीके से देवे तो विकास हो पाएगा। इस टाइम भी करीब, अब इस टाइम करीब 50 लाख रुपया का काम एडवांस है जो कि होना चाहिए, और उसे हम करा नहीं सकते, बिना पैसे क्या करा सकते। एक और दरख्वास्त है, अगर सरकार पैसा देवे, जैसे कि हमारे गांव में कितनी काम ऐसे हैं विकास करा सकें, केंद्र सरकार, यूपी सरकार अगर पैसा पंचायत को सही तरीके से देवे तो विकास हम करा सकते हैं पूरा, नहीं तो बिना पैसे विकास कैसे होगा।